दो लोगों में बेट लगती है। इस बेट की वजह से एक आदमी को एक विडो के साथ सोना है। जैसे आगे के इवेंट होते हैं तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। आगे क्या होता है ये आज की मूवी डेंजरस लियाजन में हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा इस मूवी का मेन कैरेक्टर जो है ये प्लेबॉय टाइप कैरेक्टर है। इसका नाम होता है फान। मूवी स्टार्ट होती है और फान की गर्लफ्रेंड उसे मिलने के लिए आती है। उसके बेडरूम में देखती है कि वो दूसरी लड़की के साथ सो रहा था। इस वजह से इनमें एक बड़ी फाइट हो जाती है। फान को इस सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब चल ही रहा था तभी उसके लिए एक लेडी वेट कर रही थी। फान उसके पास गया और उसे भी फ्लर्ट करने लग गया। ये जो है ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है फेन्यू। फेन्यू एक्चुअल में फान की ग्रैंड मदर के साथ आई हुई थी। ग्रैंड मदर ये देखती है और फान से कहती है कि फेन्यू ये तुम्हारी दूर की कजन है। ग्रैंड मदर का यहाँ आना एक सरप्राइज था। फान की गर्लफ्रेंड का उसके साथ क्यों झगड़ा हुआ है ये सब फेन्यू यहाँ नोटिस कर सकती है। इसके बाद हमारी और एक मेन कैरेक्टर हम देखते हैं जिसका नाम है जियो। जियो एक बिजनेस वूमन है और अच्छी पब्लिक फिगर भी। उसका अभी अभी एक बड़े बिजनेसमैन के साथ ब्रेकअप हुआ है। ये न्यूज़पेपर में देखती है कि वही बिजनेसमैन 16 साल की लड़की के साथ अब शादी करने वाला है। उस बिजनेसमैन की हमेशा से जिद थी कि जिस लड़की से वो शादी करेगा वो सिर्फ उसके साथ इंटीमेट होगी। ये जो हमारा मूवी का टाइम पीरियड है ये 1931 का है। इसके बाद हम एक बड़ा सा चैरिटी इवेंट देख सकते हैं। इसमें ग्रैंड मा, फेन्यू और फान ये तीनों आए हुए हैं। फान का एक खुद का होटल है। ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली जीव है। इस पार्टी में दोनों मिलते हैं और फान को अच्छा लगता है कि जियो का ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि हमेशा से वो उसे लाइक करता था। इसी पार्टी में हम देख सकते हैं कि जियो का एक्स बॉयफ्रेंड जिस लड़की के साथ शादी करने वाला है वो लड़की और उसकी मदर आई हुई है। उस लड़की की मदर जियो को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है। लड़की का नाम बेवे है और वो भी हमारी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। फान बेवे से हाथ मिलाने की कोशिश करता है पर उसकी मदर उसे रोक लेती है क्योंकि उसे पता है कि फान एक प्लेबॉय है। इनके जाने के बाद जियो फान से बात करती है, कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वो एक्चुअल में उसके एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेना चाहती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड बेबाई से इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि वो बहुत ही यंग है और किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हुई है। अब जियो फान से कहती है कि तुम बेबाई के साथ इंटीमेट हो जाओ, इससे वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बहुत ही अच्छी तरीके से बदला ले सकती है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की बहुत सारी बदनामी भी होगी। फान जियो से कहता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बहुत ही डेंजरस है पर ये मानने नहीं वाली। फान इस पर जरा सोचता है पर फिर मना कर देता है, कहता है मेरे पास और एक प्रोजेक्ट है। एक्चुअल में अब वे फेन्यू के साथ इंटीमेट होना चाहता है। फेन्यू के हस्बैंड की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। उसके बाद फेन्यू ने डिसाइड किया है कि वो किसी के साथ भी शादी नहीं करेगी। फान को एक चैलेंज लगता है और उसके साथ वो इंटीमेट होना चाहता है। फेन्यू दिल की बहुत अच्छी होती है। इस चैरिटी में भी उसके हस्बैंड ने उसे एक एक्सपेंसिव नेकलेस दिया था जो डोनेट कर डालती है। होटल के बाहर कुछ भूखे बच्चे उसने देखे थे, उन्हें जाकर खाना देकर आती है। ये जब सब जियो देखती है तो फान का कहना उसे इम्पॉसिबल लगता है। इन दोनों में फिर बेट लगती है। फान कहता है कि उसके साथ मैं इंटीमेट होकर रहूंगा, अगर मैंने कर दिखाया तो तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाना। अगर फान हार गया तो जियो उससे एक बड़ी लैंड मांगती है, इस पर वो पोर्ट बनाने वाली है। इनके गेम्स अब स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद फान हमेशा फेन्यू पर नजर रखने लगता है। जब भी फान रूम में आता है तो फेन्यू वहां से चली जाती है, उसे पूरी तरीके से इग्नोर करती है। फान एक दिन उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों करती हो, क्या तुम भी लोगों के बातों में आ गए। फान के कैरेक्टर को लेकर लोग बातें करते हैं तो फेन्यू से पूछता है क्या तुम भी लोगों के बातों में आ गए। फेन्यू कहती है कि मैं किसी भी गॉसिप पर बिलीव नहीं करती, जो मेरे खुद की आंखों से देखती हो उसी पर बिलीव करती हो। यानी कि जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे तो फान की गर्लफ्रेंड और एक लड़की के साथ उसका झगड़ा चल रहा था, इसी बारे में वो बात कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि बेबे को उसकी मदर ने घर में ही पेंटिंग क्लास लगवाए हुए है। उसे पेंटिंग एक स्टूडेंट सिखाता है जिसका नाम है वेंजो। वेंजो हमारा और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। बेबे और वेंजो एक दूसरे से प्यार करते हैं। बेबे की मदर का ध्यान नहीं था तब एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे, तभी वहाँ जियो आ गई। जियो इन दोनों की रिलेशनशिप में अपनी एक अपॉर्चुनिटी देखती है। वेंजो जब यहाँ से जा रहा था तो उसका नाम
और वो किस कॉलेज में है ये सब पूछ लेती है, यानी कि बाद में वो उसे कॉन्टेक्ट कर पाए। एक दिन फेनियो के रूम के लाइट्स काम नहीं कर रहे थे। फान उसके पास गया, उसे पूछता है कि क्या हुआ। वो कहता है मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ पर शायद तुम्हें वो भी गलत लगेगा। वो यहाँ से जा रहा था पर जाते जाते कहता है कि इस घर में हमेशा मेरी मदर का भूत मुझे दिखता रहता है। फेनियो इस पर डर जाती है, उसे लाइट लगाने के लिए कहती है। फान जब लाइट लगा रहा था तो फेनियो के हाथ में एक लैम्प था। वो लैम्प लेकर वो उसे ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। वो गिरे ना इसलिए उसे जोर से पकड़ लेता है। लाइट जब वो लगा देता है उसके बाद हमें पता चलता है ये सब फान का ही प्लान था। उसने जानबूझकर फेनियो के रूम से लाइट निकाले हुए थे। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि फान जियो से मिलने के लिए आया हुआ था। उसे कहता है तुम बहुत ही कनिंग वुमन हो। जियो बोलती है कि मैं 20 ईयर्स की थी तभी विडो बन चुकी थी। अगर मुझे इस वर्ल्ड में जीना था तो मुझे आदमियों को मैनिपुलेट करना आना चाहिए था, इसलिए इस तरह से वो सबको मैनिपुलेट करती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाय बाय अपने वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी। यहाँ पर जियो और वेंजू भी था। जियो वेंजू से कहती है कि जरा फील नहीं आ रहा, तुम भी क्रूम का ड्रेस पहन लो और बाय बाय के साइड में खड़े हो जाओ, इसे कैसी लग रही है यह हमें आइडिया आ जाएगा। वेंजू बाय बाय से बहुत प्यार करता है और किसी और से शादी करेगी ये वो इमेजिन नहीं कर पाता। वो रोने लग गया और वहां से चला गया। इसके बाद बाय बाय से जियो अकेले में मिलती है। उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। बाय बाय कहती है पर ये पॉसिबल नहीं है, मदर ये कभी भी होने नहीं देगी। जियो बाय बाय से पूछती है क्या तुम चाहती हो कि वेंजू एक बड़ा आर्टिस्ट बने। बाय बाय उसके लिए अच्छा ही चाहती है तो हाँ कहती है। जियो कहती है कि तुम्हें फिर उसके लिए मॉडल करना पड़ेगा, कोई भी आर्टिस्ट न्यूड पेंट कर ही बड़ा आर्टिस्ट बनता है। यहाँ पर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए वेंजू और बाय बाय में रिलेशनशिप बनाना चाहती है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जियो बाय बाय और उसकी मदर के साथ एक बड़ा सा ओपेरा देखने के लिए आई हुई थी। बाय बाय नाटक करती है कि उसका पेट दुखने लग गया है। उसकी मदर ओपेरा छोड़कर कहीं भी नहीं जाती तो जियो फिर बाय बाय को एक रूम में लेकर आती है। वहां पर वेंजू बाय बाय का वेट कर रहा था। वेंजू से मिलने के बाद बाय बाय न्यूड हो जाती है। वेंजू एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसे ये सब गलत लगता है तो बाय बाय उसे समझाती है अगर तुम्हें अच्छा सा आर्टिस्ट बनना है तुम्हें मेरी न्यूड पेंट करना ही होगा। इसी ओपेरा में अपनी ग्रैंड मदर और फेनियो को लेकर फान भी आया हुआ था। बाय बाय की मदर उसे डिस्टर्ब ना करे और उसे देखने के लिए ना जाए, इसके लिए जियो फान की भी हेल्प लेती है। थोड़ी देर में इस ओपेरा में अपने फ्रीडम के लिए लड़ने वाले कुछ लड़के कुछ हैंडआउट्स दे रहे थे। इसमें से एक फेनियो के हस्बैंड का स्टूडेंट हुआ करता था और उसे पहचान लेती है। उस लड़के के पीछे पुलिस थे तो उसे छुपा रही थी। फान भी ये सब देखता है और उसे सपोर्ट करता है। फान खुद ये हैंडआउट्स ओपेरा में फेंक देता है। उसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। फेनियो को लगा था कि वेंजू और बाय बाय एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाएंगे पर ऐसा नहीं हुआ। वेंजू ने सिर्फ बाय बाय को ड्रॉ किया और उसके बाद वो यहाँ से चला गया। उसका प्लान फेल हो जाता है। घर आने पर फेनियो एक लेटर लिख रही थी, फान भी यहाँ था। फेनियो के सो जाने के बाद उसने फेनियो का लेटर लिया, उसमें ट्रेन के ऊपर उसने धुआं निकाला। जब वो जग गए तो फान ने क्या किया हुआ है ये देखकर उसे स्माइल आ गए। फान ने आज उसे सपोर्ट किया था तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। जियो का प्लान फेल हो गया तो इसीलिए वो बाय बाय की मदर को कॉल करती है, उसे वेंजू और बाय बाय के बारे में बता देती है। उसे बाय बाय की बदनामी ही करनी है तो किसी भी तरीके से उसे चल सकती है। इसके बाद बाय बाय की मदर घर में सब तमाशा कर डालती है। वेंजू और बाय बाय मदर से कहते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पर मदर मानती नहीं, बाय बाय को वो रिस्ट्रिक्ट कर डालती है। एक दिन फेनियू पुल के पास बुक पढ़ रही थी, उसे उसके हस्बैंड ने वो गिफ्ट की थी। फान उसके पास आया और इस बुक के बारे में पूछा। वो कहता है तुम्हारे हस्बैंड के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। फेनियू कहती है कि वो एक टीचर थे पर वो बहुत ही ऑनेस्ट थे, वो अपने हस्बैंड की बहुत तारीफ करती है। फान फिर फेनियू से उसकी बुक लेता है और पूल में डाल देता है। फान फेनियू से कहता है कि अब बहुत सारे साल हो चुके हैं तुम्हें अपने पति से मूव ऑन कर लेना चाहिए, यही हेल्प करने के लिए उसने बुक पानी में डाली है। इसके बाद फान फेनियू के लिए लेटर लिखता है पर उसे इग्नोर कर रही थी तो खुद ये लेटर उसे पढ़कर सुनाता है। वो इसमें लिखता है कि जिस दिन मैं तुमसे मिला तब सही में मेरा जन्म हुआ था, प्यार क्या होता है ये तुमने मुझे सिखाया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, प्लीज मुझे तुमसे प्यार करने दो। फेनियो लेटर लिखती है और फाड़ कर फेंक देती है। फान इस पर गुस्सा हो जाता है, कहता है मैं तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ
इसमें गलत क्या है? फेन्यू बोलती है, मुझे पता है तुमने बहुत सारी लड़कियों को यही बात बोली होगी। फान इससे हर्ट हो गया, कहता है, मुझे लगा था कि तुम लोगों की बात नहीं सुनोगी। उसके आंखों में हम यहाँ आंसू भी देख सकते हैं। जब वो यहाँ से चला जाता है तो हमें पता चलता है ये आंसू भी फेक थे। इसके बाद वो अपने बिजनेस के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। यहाँ पर वो फेन्यू को बहुत सारे लेटर लिखता है, वो उसे मिस करता है। एक दिन वो जियो के यहाँ आया हुआ था, तभी बेबाई की मदर भी वहाँ थी। इनकी बातों बातों में बेबाई की मदर कह डालती है, फेन्यू को मैंने बताया था कि तुम फान से दूर रहना। फान इस चीज पर बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया था। बेबाई की मदर जियो के पास आई थी क्योंकि उसे पता नहीं था या बेबाई के साथ क्या करना चाहिए। जियो उसे सलाह देती है कि कुछ दिनों के लिए बेबाई को तुम दूर लेकर जाओ, वो किसी और शहर में रहेगी तो सेफ रहेगी, वेंजू से वो मिल नहीं पाएगी। जियो सजेस्ट करती है कि फान की ग्रैंड मदर के पास बेबाई को भेज दिया जाए। बेबाई की मदर भी इसके लिए मान जाती है। जैसे कि हमें पता है कि फान को अब बेबाई की मदर पर गुस्सा आ चुका है, तो जियो से कहता है कि अब मैं बेबाई के साथ इंटीमेट होऊंगा। बेबाई जब फान की ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए आई तो एक रात वो उसे बुला लेता है। वो कहता है कि वेंजू के साथ मैं तुम्हारी बात कराता हूँ। बेबाई और वेंजू बात करते हैं और बहुत रोते हैं। इनकी बात हो जाने के बाद फान फोन लेता है और प्रिटेंड करता है वेंजू से वो बात कर रहा है। वो फिर बेबाई से कहता है, वेंजू ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा सही से ख्याल रखूं। इसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट हो गया। जो भी सब हुआ इसी वजह से बेबाई अगले दिन बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसे फिर से उसकी मदर घर लेकर गई। जियो को जब ये न्यूज मिलती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेन्यू फान के पास आती है। उसे कहती है, मेरे रूम की फिर से लाइट खराब हो चुकी है। फान ने लाइट्स बदलने के लिए गया और उसकी सब चीजें देखने लग गया। फान ने जो भी सब लेटर फेन्यू को दिए थे ये सब उसने संभाल कर रखे है। वो फिर डायरेक्टली फेन्यू के पास पहुंचता है। उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। फेन्यू डर रही थी और फान उसके पास आ गया था, उसे वो किस करने वाला था। वह फेन्यू की आंख में आंसू आ गए। ये देखकर फान यहाँ से चला गया। अगले दिन अपना सब सामान पैक कर फेन्यू वहां से चली गई। फान से रहा नहीं गया, फेन्यू के पास आया, उसे गले लगा लिया। इसके बाद उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है। इस बार फेन्यू उसे रोकती नहीं। उसने जो जियो के साथ बेट लगाई थी अब वो जीत चुका है, तो डायरेक्टली जियो के पास पहुंचता है। जब फान फेन्यू के बारे में उसे बता रहा था तो इन बातों से जियो समझ जाती है कि फान अब फेन्यू से प्यार करने लग चुका है। फान कहता है कि अब तुम मेरी हो। जियो बोलती है कि बेट ऐसी नहीं हुई थी, तुम उसके साथ तो अब सोए हो पर अब तुम्हें उससे ब्रेकअप करना है, उसके बाद ही ये बेट कम्प्लीट होगी। और फेन्यू फान के प्यार में है तो बहुत ही खुश थी, उसके लिए स्पेशल लंच वगैरह बनाती है। फान के घर पर जब वो कॉल करती है तो उसका सर्वेंट ये कॉल उठाता है। फान अपने सर्वेंट को कह देता है कि उसे बताओ कि मैं घर पर नहीं हूँ। फेन्यू उस सर्वेंट से कहती है कि फान को घर भेज देना, मैंने उसके लिए एक स्पेशल लंच बनवाया है। ये सब बातें फान फोन पर सुन रहा था, उसे बुरा लगा और फिर वो फेन्यू के पास आ गया। फान फेन्यू के साथ था तो फेन्यू उसे कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे पास्ट पीछे छोड़ने का करेज मिला है, तुम्हारे साथ हमेशा मैं खुश रह सकती हूँ। फान कहता है, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से चला गया तो तुम क्या करोगी। फेन्यू कहती है कि मैं मर जाऊंगी। फान उसे फिर आई लव यू कहता है। फान को अपनी फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी। रात में वो बहुत ही ड्रंक हो गया और जियो के पास चला आया। वो जियो को वेंजू के साथ इंटीमेट होता पकड़ लेता है। वो वेंजू को धमकी देकर वहां से निकल जाने के लिए कहता है। वो जियो के बेड में सोया हुआ था तभी भी वो फेन्यू का ही नाम ले रहा था। इस सब में जियो बहुत ही जिलस हो गए और फेन्यू को उसने कॉल किया। अगले दिन वो फेन्यू को डायरेक्टली उसके घर बुला लेती है जहाँ पर फान उसके बेड में सो रहा है। फान जब उठता है तो जियो कहती है, फेन्यू तुम्हारा वेट कर रही है, तुमने जो काम अधूरा छोड़ा है उसे अब तुम कंप्लीट कर डालो। जियो के लिए फान अपने दिल पर पत्थर रखकर फेन्यू के साथ ब्रेकअप कर डालता है। वो रो रही थी, कह रही थी कि मुझे बोल दो कि ये सब झूठ है। फान कहता है कि मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, तुम कोई स्पेशल नहीं हो। फेन्यू जब वहां से चली जाती है तो फान जियो से कहता है, अब तुम मेरी हो। जियो कहती है कि तुम हार चुके हो, तुम फेन्यू से प्यार करते थे पर फिर भी तुमने उसे जाने दिया, तुम्हारी जीत कोई मायने नहीं रखती। फान जियो पर बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया, कहता है तुम्हें मैं बर्बाद कर डालूंगा। जियो कहती कि देख लेंगे। जियो ने फिर वेंजाय को बता दिया कि फान बेबे के साथ इंटीमेट हुआ था, वेंजाय अब उससे बदला लेना चाहता है। फान जो भी सब हुआ इस पर बहुत सोचता है। उसके बाद वो अपनी गलती रियलाइज करता है।
वो फेन्यू के पास जा रहा था। रास्ते में प्रोटेस्ट चल रहा है तो एक गाड़ी से उतरकर भागते भागते फेन्यू के पास आ रहा था। तभी उसका रास्ता वेंजू रोक लेता है। उसके पास गन थी, इसे वो फान को शूट कर डालता है। फान इसी तरीके से जख्मी हालत में फेन्यू के पास पहुंचता है। फेन्यू अपना दरवाजा नहीं खोलती। उसे कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें लास्ट टाइम देख सकता हूँ। वो कुछ भी नहीं कहती है। उससे कहता है कि मैं मर रहा हूँ। फेन्यू बहुत ही हर्ट है तो कहती है शायद तुम्हारे मरने के बाद ही सब सही होगा। फान कन्फेस करता है कि अब मुझे फाइनली पता चला है कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो कितना खुश था। ये रियलाइज करने में मैंने बहुत ही देर कर दी। इसके बाद वहां से वो जा रहा था तो फेन्यू ने डोर ओपन किया। फान का ब्लड उसे दिखा। फान आगे चलकर गिर गया था तो उसके पास हो गई। वो रोने लग गई। फान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं मर जाऊं। फेन्यू ना कहती है। फान उसके साथ था तो उसके बाहों में ही हैप्पीली उसकी डेथ हो गई। फेन्यू बहुत रोती है। फान ने जियू को एक ड्रेस गिफ्ट किया था, उसमें उसने नोट लिखी है कि तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। फान पहले उससे प्यार करता था पर कभी भी उसने रियलाइज नहीं किया। जियू ये नोट देखकर बहुत रोती है। उसने जो भी सब किया इसके लिए उसका कुछ बिगड़ा नहीं, पर फिर भी वो अकेली रह चुकी है। इसके बाद मूवी में एक साल बीत जाता है। हम फेन्यू को कुछ बच्चों को पढ़ाते हुए देख सकते हैं। ये वो बच्चे हैं जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते। जब वो ब्लैक बोर्ड पर ट्रेन का ड्राइंग बनाती है तो फेन्यू ने उसके लेटर में जिस तरह से धुआं निकाला था उसी तरह से ये भी निकालती है। फान के मर जाने के बाद भी वो हमेशा उसे प्यार करती रहेगी। इसी तरीके से ये मूवी एंड हो जाती है। फान ने बेबे के साथ जो किया था इसकी सजा उसे मिल गई। जियो भी हमेशा के लिए अकेली रह गई। फेन्यू के साथ बुरा हुआ पर फिर भी अपनी लाइफ के साथ अब वो मूव ऑन कर चुकी है। इसी तरीके से आज की वीडियो हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने में मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।